press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कंप्यूटर साइंस जब इंजीनियरिंग कर रहा था मैं उस टाइम कंप्यूटर साइंस मेरे दिमाग में घुस नहीं रही थी ज़्यादा, तो उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि मेरे को जॉब तो कर नहीं पाऊंगा ज़्यादा देर उसमें, तो एमबीए तो करना ही है के चक्कर। तो मुझे पता है प्लस एंड माइनस चलता रहता है, विल टॉक अबाउट दैट। टेल मी हाउ इज द लाइफ एट बी स्कूल, एक बार एक्सेल राइट क्रैक कर लिया भैया, एक्सेल में पहुंच गए, लाइफ इज गुड, ऐसा है क्या? बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि मैं उस दिन, मेरे को याद है मैं 7 या 8 ग्रुप डिस्कशन दिए थे मैंने एक ही दिन, बट अब थोड़ी मेलो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब उतनी इंटेंस जितनी होती है, मतलब उसकी काफी वीडियोस भी आ चुके हैं एक्चुअली। Hi everyone, welcome on board. I've got Sarthak Jalali with me. Sarthak, who is converted Excelrai, he's sitting inside Excelrai right now and got a really sexy placement. We're going to talk more about it. Hi Sarthak, kaisa hai bhai tu? How are you? I'm good, great. How are you? Yaar, wo Kapil Sharma puchta hai ki tumne kabhi socha tha ki tum Kapil Sharma show pe aoge? Main puchta hu ki tumne socha tha ki you'll be selected as a real humans of B school ke andar? बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने, मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं आऊं इसमें, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। ऑलराइट, जोक से बाहर, लेट्स कम टू द पॉइंट यार। सार्थक, टेल मी मोर अबाउट यू यार, दिस सेशन इज ऑल अबाउट रियल ह्यूमंस, ऑल दीस आई एम एबीसी गाइस, ऑल यू एक्सेल गाइस, आई दिस इज नॉट अ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ इंटरव्यू, वो तेरा आंसर प्रिपेयर्ड है, मैं वो नहीं सुनना चाहता हूं। टेल मी व्हाट्स द रियल यू। ओके, सो आई विल टेल यू व्हाट द रियल मी इज। सो कंप्यूटर साइंस जब इंजीनियरिंग कर रहा था मैं उस टाइम, कंप्यूटर साइंस मेरे दिमाग में घुस नहीं रही थी ज़्यादा, तो उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि मेरे को जॉब तो कर नहीं पाऊंगा ज़्यादा देर इसमें, मैं तो एमबीए तो करना ही है। फोर्थ ईयर में मैंने डिसाइड कर लिया था ये चीज़ लास्ट ईयर में आते आते, तो मैंने उसके बाद 2 साल जॉब करी जस्ट टू गेन सम एक्सपीरियंस, एंड क्योंकि एक्सपीरियंस यूजुअली एमबीए बी स्कूल में हेल्प ही करता है, तो मैंने 2 साल नौकरी करी मारुति सुजुकी में आईटी डिवीजन में। तो उसके बाद मैं वहाँ पर भी परेशान हो गया, जैसे मैंने कहा था कि जॉब का तो मेरे को लग नहीं रहा कुछ होगा, तो वहाँ पर परेशान होने के बाद उस टाइम आई डिसाइडेड कि मैं पढ़ाई शुरू कर देता हूँ, एंड जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, स्पेशली जब आपकी एक तो आप जॉब से भी फ्रस्ट्रेटेड हो और घर आके देन यू हैव टू सिट डाउन एंड स्टडी फॉर क्वाइट सम टाइम टू क्रैक द बेस्ट बी स्कूल्स दैट देयर आर, तो वो टाइम काफ़ी डिफिकल्ट था, बट समहाउ आई गॉट थ्रू इट, मतलब फ्रेंड्स थे, पेरेंट्स थे, तो उनके सपोर्ट के साथ और पढ़ाई कर करके तो निकल जाता। वेरी गुड, वेरी गुड। ये एक कैट वैट के चक्कर, तो मुझे पता है प्लस एंड माइनस चलता रहता है, विल टॉक अबाउट दैट। टेल मी हाउ इज द लाइफ एट बी स्कूल, एक बार एक्सेल राइट क्रैक कर लिया भैया, एक्सेल में पहुंच गए, लाइफ इज गुड, ऐसा है क्या? हाउ इज इट? तो मतलब मैं पर्सनली बताता हूं, मैं ऐसे जब मेरा एक्सेल आया जिस टाइम निकला था उस टाइम में 5 मिनट के लिए तो मैं बहुत खुश हुआ था, फिर मेरी हालत खराब होने लगी, वहां जाके क्या करूंगा मैं, तो उसकी टेंशन होने लगी मुझे। तो है स्टार्टिंग में, तो पहले हफ्ते तो फन होता है काफी, आउटडोर एक्टिविटीज वो करवाते हैं कि बच्चों की बॉन्डिंग हो जाए, बट उसके बाद देन यूर ऑन योर ओन, तो मतलब खुद, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप पहले ही बन जाते हैं सारे कन्वर्ट्स के इन सब के, तो क्या होता है कि उसमें पहले ही ग्रुपिज्म वगैरह ग्रुप्स पहले ही बन जाते हैं ऑलमोस्ट। हाँ, तो वो जब आते हैं तो कुछ टाइम साथ रहते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं यार ये तो गलत बंदे हैं, फिर ग्रुप चेंज होते रहते हैं, तो एटलीस्ट 2-3 महीने लगते हैं प्रॉपरली सेटल होने में सबको, देन यू कैन कैरी आउट टू दे, मतलब पहला ट्राइमेस्टर जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उस टाइम समर इंटर्नशिप का भी भगदड़ होती है और समझ नहीं आता कौन क्या बनता है, तो उसमें टाइम लगता है समझने में। आई नो, इट्स लाइक वो बोलते हैं ग्रुप डायनेमिक्स में, हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, कुछ तो होता है एंड देन बिकम्स अ ग्रुप, या कुछ तो था फॉर्मिंग होता है, फिर स्टॉर्मिंग होता है बीच में, फिर जाके पता, तो पहले यार एवरीबॉडी वांट्स टू बी इन दैट ग्रुप, एक क्यूट लड़की होती है तो 4 लौंडे उसके आसपास होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले, और वो फिर बाद में पता लगता है भैया ये तो नहीं हो पाएगा इससे, ये मुझे अपने ग्रुप में नहीं चाहिए, बिकॉज इफ अंटिल अनलेस योर ग्रुप इज गुड यू आर ऑफ नो यूज, राइट? एंड हाउ इज द प्लेसमेंट सीन देयर, जॉब वॉब लग जाती है, फाइट मारनी पड़ती है भाई अंदर जाके भी? वही होता है समर इंटर्नशिप का, तो मतलब प्रोसेस काफ़ी रैंडम होता है, मतलब आप कंपनीज तो बहुत आती है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती बिल्कुल भी प्लेसमेंट की, अभी तक तो नहीं थी, अब इसके बाद क्या होने वाला है पता नहीं, कोविड में पूरी हालत हो गई है, बट अभी बहुत स्मूथ होता है, कोई टेंशन नहीं होती, कंपनीज बथेरी आती है, बहुत अपॉर्चुनिटीज होती है।
जब हो जाता है ना तो कोई टेंशन नहीं होती, जब तेरा जब तू वो कंट्रोल रूम के अंदर बैठा हुआ था तो तो तेरी हालत क्या थी वो बता। हालत खराब बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि मैं उस दिन, मेरे को याद है मैं 7 या 8 ग्रुप डिस्कशन दिए थे मैंने एक ही दिन में, तो उस दिन तो वैसी हालत खराब हो गई थी। फिर अगले दिन इंटरव्यू होने थे, तो इंटरव्यू मेरे को 3 या 4 शॉर्टलिस्ट आए थे, तो बहुत टेंशन थी कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बैठे रहते वहाँ तक जब तक अपना नाम नहीं बुलाते, तो वही दिमाग वही चल रहा होता क्या करे अब आगे, टेंशन तो बहुत होती है। टेंशन तो बहुत है बट जब हो जाता ना कैसा था, हाँ हाँ स्मूथ है, कोई टेंशन ही नहीं है, but those times are actually the tough time when you go through it. Yes. Great, tell me some moments. And the times that are leading to it, से पहले की preparation, CV, practice, group discussion, interview, वो सभी काफी काफी tension वाला time होता है कि आगे क्या होगा, तो 3 महीने are very difficult. Right. Tell me some moments like where you had like a lot of fun in Excel. तो first year में तुम लोग मुझे बता, you guys are big on sports as well. So, any fun moments you had, which was like the peak so far? Peak so far, अभी Excel IMC की meet हुई थी, sports meet. So that was pretty fun. तुम्हारे वो लड़ाई rivalry अभी भी है कि नहीं? खत्म rivalry है, but अब थोड़ी mellow down करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब उतनी intense जितनी होती है, मतलब उसकी काफी videos भी आ चुके हैं actually. तो हाँ. वो थोड़ी इंटेंसिटी हम ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ी मेलो डाउन हो जाए, बट हाँ राइवलरी तो है प्रॉपर। 2009 में वो तुम्हारी लड़कियों ने एक कांड किया था जहाँ पे देवर लाइक नहीं आई एम कैल की बंदियाँ थी वो, कुछ तो गाली गलो चला, वीडियो देखा तूने एक्सेल की डाटा 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 टू 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 करना पड़ेगा मुझे। दैट वाज आई एम कैल एंड दैट वाज लाइक इट वाज ऑल ओवर द न्यूज एंड व्हाट नॉट। वाओ Wow, great! And overall, how's the B school life? I mean, you tell this to live. Everyone should live this life. What's your recommendation? I'd say ki I'm the kind of a person. मतलब I'd say ki मैं भी काफी misfit हूँ B school environment में, क्योंकि एक तो मैं extrovert बिल्कुल भी नहीं हूँ. I'm not that person ki जो जाके एकदम बात करना शुरू कर दे किसी दूसरे बंदे से. मेरे को बहुत time लगता है gel होने में, to know other people. So that is one thing. But I knew कि मेरे को MBA करना ही है, क्योंकि what I wanted to become in life, that was MBA was really important for that. तो B school की life, classes के अलावा there are a lot of things that you have to do. एक तो final aim हमारा क्या होता है कि हम सीट के placement लेनी है हमें, उसके लिए हमें CV strong बनाना है. तो CV strong बनाने के लिए बहुत चीज़ें करनी होती है, case forms करने पड़ेंगे, extra currics में part लेना पड़ेगा, societies का part होना पड़ेगा, तो एकेडमिक्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कॉलेज में. तो चिल करने का टाइम कम होता है, बट निकाल लेते चिल करने का, निकाल लेते हैं. बट अबाउट दिस लाइफ, आई मीन वुड यू रेकमेंड एवरीवन, सबको एक बार तो जीनी चाहिए बी स्कूल लाइफ? एक्सपीरियंस वाइज डेफिनेटली, मतलब टू स्टे इन अ हॉस्टल अंडर दैट मच प्रेशर, मतलब एक तो ये होता है कि एक अलग टाइप की बॉन्डिंग बन जाती है बंदों के साथ, और वो ट्रस्ट वाली चीज आ जाती है, दिख जाता है. एंड ये एक आगे लाइफ के लिए भी एक्सपीरियंस रहता है कि किन बंदों को ट्रस्ट कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते हो. तो ये डेफिनेटली चीज आ जाती है. दूसरी चीज है कि टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट, ये तो डेफिनेटली सिखा देता है. मल्टीटास्किंग, टाइम मैनेजमेंट, यहाँ से डंडे पड़ रहे हैं, वहाँ से डंडे पड़ रहे हैं, रात को सोए नहीं हुए हैं, कैसे डंडे डॉज करने हैं और कैसे वापस मारने हैं, तो वो सब करता हूं जाता है. That's so sweet. That's awesome, yaar. You are really great, yaar. Sarthak, any parting thoughts to all these people who are listening to you right now, who are aiming to be like the next Sarthak, just like you, and who are trying to enter into B school? They've got the cause, they've converted it, they're thinking about it. What are your 2 cents? So about the next Sarthak that you just said, maybe when I used to watch these interviews, I used to think that I want to become like them. कि आई विल फॉलो व्हाटएवर दे आर टेलिंग मी, बट यूजुअली होता नहीं है कि एवरीबडी हैज अ यूनिक पर्सनालिटी, एंड इफ यू आर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, इफ यू ट्रू टू योरसेल्फ, एंड इफ यू आर एबल टू शोकेस व्हाट यू रियली आर इन द इंटरव्यू एंड ड्यूरिंग द जीडी, देन यू आर डेफिनेटली गेटिंग थ्रू. दैट दिस इज वन थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड अबाउट माय सेल्फ एंड अबाउट माय एक्सपीरियंस. दैट्स सो अमेजिंग. थैंक यू सारथक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मैन, यू आर ऑसम, एंड मे गॉड ब्लेस यू इन योर ग्रेट इंटर्नशिप एट सिटी बैंक. यू हैव किल्ड इट, और इंशाल्लाह अगर सब अच्छा रहा तो पीपीओ भी लेके आना भाई. Thank you. Take care, man. Bye-bye. See ya.